इंडिया में आप फ्लैगशिप फोन डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे हर आए दिन रोज नए नए फोन लॉन्च होते रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब किसी एक फोन का बहुत टाइम तक मार्केट में बने रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे आ गया है ओप्पो का A5s और इसकी हम करने वाले हैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग। देखते हैं फोन दिखने में कैसा है, बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है और थोड़े बहुत टेक्निकल स्पेक्स वगैरह देख लेते हैं। और मेन चीज जो फोन की लुक एंड फील है, जो हैंड में आने के बाद फोन एक्चुअली कैसा लगता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहो। यह आ गया हमारे पास ओप्पो A5s का पैक बॉक्स और यहाँ पे जैसे आप बॉक्स पे देख सकते हो फोन का मॉडल लिखा हुआ है, ओप्पो की ब्रांडिंग है यहाँ पे। फोन का जो लुक एंड फील है, जो डिजाइन है बेसिकली, वो यहाँ पे प्रिंटेड है इसके ऊपर। साइड में आप देखोगे तो ओप्पो का द इंडियन क्रिकेट टीम स्पॉन्सर, मतलब IPL वगैरह होते हैं वहाँ पे आप ओप्पो देखते रहते होगे, तो ये वही चीज़ है। बाकी डिटेल्स मिल जाती है कि फोन कब इम्पोर्ट हुआ है, कब बना है, कहाँ बना है, वो सारी डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन भी आ जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको 13+2MP का कैमरा मिल जाता है, फ्रंट कैमरा 8MP का मिलता है। स्क्रीन की जो साइज है वो 6.22 इंच का है। 4230mAh की बैटरी मिल जाती है और जो इसका रिटेल प्राइस है वो यहाँ पे 14,000 रुपए मिल जाता है। उसके साथ बॉक्स में जो है वो बॉक्स खोल के देख लेते हैं। फोन के बारे में बात करें तो इसके जो हाईलाइट फीचर है वो है इसका जो वाटर ड्रॉप, मतलब ऑलमोस्ट बेजललेस डिस्प्ले है जो कि गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4230mAh की बैटरी मिल जाती है, ड्यूअल रियर कैमरा मिल जाता है और AI ब्यूटी, मतलब जो सेल्फी है वो AI ब्यूटी के साथ आ जाती है। तो यहाँ पे भाई खोलते ही सबसे पहले आपको ओप्पो की ब्रांडिंग आ जाती है। यहाँ से एक कटआउट आता है जिससे आप इसको पिकअप कर सकते हो। इसको रखते हैं साइड में, नहीं पहले इसको खोल लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें अंदर तो आपको कुछ एक मोबाइल का कवर आ जाता है, आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट और PVC कवर आ गया, ठीक है। यहाँ पे वारंटी कार्ड आ जाता है ओप्पो का, इस पर जो IMEI नंबर है, ब्लू वगैरह कलर वगैरह ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ यहाँ पे क्विक गाइड आ जाता है कि फ़ोन को चालू वालू कैसे करना है, सिम कैसे डालना है, नॉल, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फर्दर देखें बॉक्स के अंदर तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका ओप्पो का फ़ोन। तो इसको हम पुल आउट कर लेते हैं ऊपर की तरफ और इसको रखते हैं साइड में। फिलहाल देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इस कटआउट को निकालते हैं तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपको आ जाता है आपका एडेप्टर, तो ये आपको मिल जाता है 5V 2A का एडेप्टर। फास्ट चार्जिंग नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। यहाँ पे आपको माइक्रो USB मिलता है, Type-C नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम फोन की, तो फोन को हम कर लेते हैं यहाँ पे ओपन और फिर देखते हैं कि फोन कैसा दिखता है। तो फोन को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ जाती है, फोन का IMEI नंबर वगैरह आ जाता है यहाँ पे बैक में आपको, और यहाँ पे बैक में आपको ग्लास का बैक बॉडी मिल जाती है जिसपे ग्लिटर पैटर्न बना हुआ है। उसके साथ बात करें साइड में तो यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाता है जो इसको ऑन ऑफ करने के काम में आता है। तो बात करें फ्रंट में तो यहाँ पे आपको माइक्रो USB का चार्जिंग जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन यहाँ पे आ जाते हैं, 3.5mm का जैक यहाँ लग जाता है और यहाँ पे आपको स्पीकर के कटआउट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे सिम ट्रे का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। बात करें टॉप पे तो टॉप पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और फ्रंट से फोन कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जहाँ पे ये कैमरा है और उसके ऊपर ईयर पीस बना हुआ है आपका छोटा सा और उसके साथ फिर भी ये फोन पूरा बेजललेस देखने को मिलता है। फोन के बैक में देखे तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जिसकी जो बाउंड्री है वो गोल्डन कलर के मेटल से की गई है जो कि इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। बात करें कैमरे की कटआउट की तो कैमरे को भी यहाँ पे जो मेटल का प्रोटेक्शन मिल जाता है कुछ कॉपर शेप में है। यहाँ पे दो कैमरे मिल जाते हैं, पहला कैमरा 13MP+2MP का कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो कि यहाँ पे काफी अच्छा बुके इफेक्ट देता है और यहाँ पे ड्यूअल टोन LED फ्लैश आ जाता है। चलिए फिर जल्दी से इसको कर लेते हैं बूट। इतना सेटअप करने के बाद यहाँ पे आपको कलर OS 5 यहाँ पे साथ के साथ मिल जाता है और इतना करने के बाद हम करते हैं गेट स्टार्टेड और ये आ गया आपका फोन का फर्स्ट यूजर इंटरफेस। तो यार ये थी यहाँ पे सारी बातें ओप्पो A5s के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको फोन अच्छा लगा होगा, फोन की लुक एंड फील काफी प्रीमियम है, काफी अच्छा है और अगर आप एक बजट फोन चाहते हो तो ये एक डेफिनेटली बेटर ऑप्शन होगा आपके पास अगर आप ओप्पो वीवो और रेडमी में कुछ सेलेक्ट करना चाहते हो। हालांकि उनमें भी बहुत फ्लैगशिप अच्छे फोन है लेकिन ये भी काफी अच्छा फोन है, यू कैन कंसिडर दिस। उम्मीद करता हूँ आपको फोन पसंद आया होगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।